प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता अरि वरुणा की शांत कछार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने मूल गंध कुटी बिहार सारनाथ की महिमा का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद केवल कल्पना के कवि ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के महान उत्थापक भी हैं। भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध का नाम अमर है। उन्होंने समूची भारतीय संस्कृति को नई दिशा प्रदान की थी। देखा जाए तो उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में सत्य, अहिंसा और त्याग का जय घोष एक बार फिर गूंज उठा था। स्पष्टतः कविवर प्रसाद जी का चिंतन भी महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों से प्रभावित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मूलगंध कुटी विहार का गौरवपूर्ण वर्णन किया है, क्योंकि यही वह पुण्य स्थल है जहां महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार में उपदेश देते हुए अक्षय ज्ञान का साक्षात किया था। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने कविता को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि व्याख्यान करने में मुझे आसानी हो और साथ ही पाठकों को समझने में भी सुविधा हो सके, एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूँ। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। अरि वरुणा के शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सूच संधि गूंजता था जिससे संसार। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। ये पंक्तियां प्रसाद जी द्वारा रचित कविता अरि वरुणा की शांत कछार से ली गई है। इन पंक्तों में कवि वरुणा नदी की शांत कछार की महिमा का गुणगान करते हैं, क्योंकि इसी तट के किनारे सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ वरुणा नदी की शांत कछारों को संबोधित करते हुए कविवर प्रसाद जी कहते हैं कि हे वरुणा की शांत कछारों, तुम्हारे कारण ही तपस्वियों में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस संसार में निरंतर संघर्षों के मध्य मनुष्य को तुम्हारी शांत कछारों में परम शांति और विश्राम प्राप्त होता है। तुम ऋषियों की तपस्या के लिए वन समूह के समान अत्यंत अनुकूल हो। तो हे वरुणा की शांत कछारों, इस नश्वर संसार की रक्षा का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त है, क्योंकि तुम्हारे मध्य बैठकर ही तपस्वियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसके फलस्वरूप इस महान सत्य का उद्घाटन होता है कि यह सारा वैभव और इसके सारे पदार्थ क्षण भंगुर है। तुम्हारे मध्य लताओं, वृक्षों और फलों के समूह उपस्थित है
जो कि तपस्वियों द्वारा ही की जाने वाली तपस्या के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण की सृष्टि करते हैं। एक समय था जब तुम्हारे आसपास के कुटियों में तपस्वी और साधक जीव ईश्वर और अध्यात्म के गंभीर विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। तुम्हारे यहाँ ही एक बार स्वर्ग और धरती के मध्य ऐसी पवित्र संधि हुई थी कि उसका स्वर सारे संसार में गूंज उठा था। यहाँ कवि का आशय गौतम बुद्ध के ज्ञानोदय से है, क्योंकि यही वह स्थल है जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ प्रथम उपदेश दिए थे, जो कि संसार के कोने कोने में गूंज उठा था। इस प्रकार अगर हम इन पंक्तियों के विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में तत्कालीन भारत के धार्मिक परिस्थितियों का पूर्ण परिचय मिल जाता है। महात्मा बुद्ध के समय के भारतवर्ष के अद्वैतवाद, द्वैतवाद, प्रकृतिवाद आदि विभिन्न दार्शनिक मत तथा वाद चल रहे थे, परंतु महात्मा बुद्ध इन वादों से दूर एक व्यवहारिक साधना पद्धति का प्रवर्तन किए थे। तो आइए दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शन के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदे करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। वरुणा नदी की शांत कछार में महात्मा बुद्ध जैसे महान धार्मिक व्यक्ति को वैराग्य के लिए प्रेरित किया था। कवि ने इसी कारण इस शांत कछार के महात्म का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रसाद जी वरुणा की शांत कछारों को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं कि हे शांत कछारों, तुम्हारे मध्य ही तपस्वियों को वैराग्य की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई थी। तुम्हारे निकटवर्ती वन समूहों में विद्वान लोग विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों आदि को लेकर चर्चा परिचर्चा किया करते थे, अर्थात देवताएं जगत के उत्पत्ति विषयक प्रश्नों तथा स्वर्गीय सपनों पर संवाद किया करते थे। तुम्हारे विस्तृत प्रांगण में फैले हुए वृक्ष समूहों की छाया के नीचे बैठे हुए विद्वानगण दर्शन के गहन तथ्यों पर विचार किया करते थे। उन्नत अविद्वत परिषदों द्वारा यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों अर्थात ज्ञान और भक्ति की परस्पर श्रेष्ठता पर भी विचार किया जाता था, अर्थात इन विद्वत परिषदों द्वारा अर्थात विद्वानों द्वारा इस प्रश्न पर भी विचार किया जाता था कि ईश्वर की प्राप्ति बुद्धि अर्थात ज्ञान के बल पर अथवा प्रेम अर्थात हृदय की भक्ति भावना में हो सकती है। वस्तुतः बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों की एक अन्यतम विशेषता उनकी व्यवहारिकता है। उन्होंने धर्म के परंपरागत एवं रूढ़िगत स्वरूप के कर्मकांडी पक्ष के स्थान पर व्यवहारिक साधना पद्धति का प्रचार किया था और इसी कारण बौद्ध धर्म को संसार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम अगर पंक्तियों की विशेष की बात करें
तो इन पंक्तियों में कवि प्रसाद ने भक्ति और ज्ञान के समन्वित रूप के प्रति आग्रह व्यक्त किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान प्राणियों का करके उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद तथागत आया तेरे द्वार। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक ओर तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण तत्वों की ओर संकेत किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहां प्रसाद जी पुनः वरुणा नदी के शांत कछारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वरुणा के शांत कछारों, तुमसे ही तपस्वियों को वैराग्य के लिए प्रेरित किया था, इसलिए तुम्हारी महिमा निर्विवाद है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित की एक भव्य झांकी प्रस्तुत करते हुए पुनः कवि कहते हैं कि हे वरुणा के शांत कछारों, तुम्हारे भीतर इतना अधिक आकर्षण है कि गौतम बुद्ध संसार के सभी सुख ऐश्वर्य को त्याग कर तथा अपनी प्रिय पत्नी का मोह छोड़कर तुम्हारे यहाँ आकर साधना में लीन हो गए थे। उन्होंने अपने पिता के वात्सल्य भाव की चिंता नहीं की और ना उनके अपने पुत्र का मोह ही उनके मार्ग में बाधक बन सका। उन्होंने यह सारा त्याग सारी साधना केवल इसलिए की थी कि संसार में व्याप्त दुख का सच्चा उपचार ढूंढा जा सके और समूची मानव सृष्टि का उद्धार किया जा सके। तो हे वरुणा के शांत कछारों, आरण्य ग्रंथों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध तेरे ही शांत कछारों में आए थे। हम अगर प्रस्तुत पंक्तियों के विशेष की बात करें तो इन पद्यांशों में प्रसाद जी ने महात्मा बुद्ध के लौकिक जीवन की भव्य झांकी प्रस्तुत की है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़ जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भव बंध तुम्हें है यह पूरा अधिकार। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महात्मा बुद्ध ने अपने मत के व्यवहारिकता सिद्ध की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि हे वरुणा के शांत कछारों, तुम धन्य हो कि तुम्हारे मध्य तपस्वियों को वैराग्य की प्रेरणा प्राप्त हुई। महात्मा बुद्ध द्वारा तुम्हारे किनारों पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने से तुम्हारे जल में दिव्य शांति और शीतलता का वास हो गया, जिससे संसार में व्याप्त दुख और आग की ज्वाला शांत हो सकी। प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि उस समय संसार में सर्वत्र अज्ञान और मोह जनित अंधकार फैला हुआ था,
तभी अलौकिक महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, जिन्होंने इस संसार में व्याप्त दुखी जनों को देखा और पुकार पुकार कर कहा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो महात्मा बुद्ध ने ऐसे मत का प्रवर्तन किया जिससे मोक्ष का मार्ग केवल किन्हीं विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को ही बपोती नहीं है, अपितु उनकी बताई साधना पद्धति का अनुसरण करके पर प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग का अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार हम प्रस्तुत पंक्तियों के विशेष की बात करें तो यहाँ बौद्ध धर्म की आधारभूत मध्य मार्गीय पद्धति की ओर संकेत किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अरे वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पद से लो सुगति सुधार दुख का समुदय उसका नाश तुम्हारे कर्मों का व्यापार विश्व मानवता का जय घोष यही पर हुआ जलद स्वर मंत्र मिला था वह पावन आदेश आज भी साक्षी है रविचंद्र। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के अतिवादी दर्शनों के स्थान पर महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में वरुणा नदी की शांत कछारों को संबोधित करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि हे शांत कछारों, तुम्हारे निकट आकर ही भगवान बुद्ध जैसे तपस्वियों को त्याग और तपस्या की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई थी। तुम्हारे निकट शारदनाथ में भगवान बुद्ध ने जीवन के अतिवादी दृष्टिकोणों को त्याग कर और मध्य मार्ग अपनाकर मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध के मतानुसार निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण है, अतः मनुष्य को सच्चा सुख मध्यम मार्ग अपनाकर ही मिल सकता है। कवि कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने मानव मात्र को यह बताया कि संसार में दुख आदि के उदय और नाश के मूल कारण मनुष्य के कार्य ही होते हैं। इन्हीं कर्मों के कारण अर्थात निवृत्ति मार्ग अपनाने पर मनुष्य सुखी होता है और इन्हीं कर्मों से अर्थात प्रवृत्ति मार्ग अपनाने पर मनुष्य विविध प्रकार से दुखों से ग्रस्त हो जाता है। प्रसाद जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध का यह दिव्य संदेश मानव मात्र के लिए एक जय घोष के रूप में सिद्ध हुआ और यही दिव्य संदेश वरुणा की शांत कछारों में बादलों के गंभीर स्वर की तरह गूंज उठा। रवि और चंद्रमा इस तथ्य के साक्षी हैं कि इसी वरुणा के शांत कछारों में महात्मा बुद्ध ने यह दिव्य संदेश प्रसारित किया था। प्रस्तुत पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहाँ प्रसाद जी के चिंतन पर बौद्ध धर्म का भरा पूरा प्रभाव देखने को मिलते हैं। कदाचित इसी कारण उनके काव्य तथा नाटकों में बौद्ध धर्म संबंधित मान्यताओं का प्रचार प्रसार मिलता है। साथ ही यहाँ महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग के 8 महत्वपूर्ण अंगों का भी वर्णन किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अरे वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और यह उस
यश का विमल प्रचार, शकल शकल वसुधा को देश संदेश, धन होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झनकार, प्रतिध्वनित जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। तो आइए प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महात्मा बुद्ध के सर्वव्यापी मानव धर्म का गुणगान किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि हे वरुणा की शांत कछारों, तुम्हारी तुम्ही ने तपस्वियों को वैराग्य के लिए प्रेरित किया था। तुम्हारे निकट ही भगवान बुद्ध ने यह दिव्य संदेश दिया था और इसी कारण संपूर्ण संसार में उनका अभूतपूर्ण अभिनंदन हुआ और उनकी विमल कीर्ति सारे संसार में फैल गई। प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि भगवान बुद्ध का यह दिव्य संदेश मानव मात्र के लिए नहीं बल्कि अखिल सृष्टि के लिए था। हे वरुणा की शांत कछारों, तुम धन्य हो कि तुम्हारे ही मध्य बुद्ध ने सबसे पहले यह दिव्य संदेश दिया था। उनका दिव्य संदेश आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी इन ध्वंसावशेषों में गूंज रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार इतने व्यापक स्तर पर हुआ है कि आज भी संसार के कोने कोने में उनके दिव्य संदेश की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रसाद जी की कामना है कि भगवान बुद्ध का यह दिव्य संदेश संसार के कोने कोने में प्रसारित होकर मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। प्रस्तुत पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों का ऐतिहासिक महत्व भी निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रथम ज्ञान स्रोत सारनाथ ही है जो कि वरुणा के तट पर स्थित है। यहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार की छटा भी दृष्टिगत होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से महात्मा बुद्ध के मानव धर्म का गुणगान किया है और साथ ही भगवान बुद्ध से प्रभावित अपनी मानसिकता को दर्शाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं इसी आशा के साथ आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को कृपया आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हर पल आप लोगों के समक्ष नए नए विषयों के साथ प्रस्तुत हो सकूं। धन्यवाद।